अब यहाँ से अपन लोग टोटो से भी जा सकते हैं, लेकिन भाई 150 मीटर ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, इसी कारण से पैदल ही जाएंगे अपन लोग। देख सकते हो पीछे के साइड से टोटो भी आ रही है, बट टोटो का जरूरत ना है, अपन लोग पैदल ही चले जाएंगे। बेचने का स्टाइल देखना, देखो पहले ऊपर फेंका, वो वाली देखो लाइट जल के ऊपर से नीचे आ रही है, ये वाली ना बच्चा लोग देखती है ना तो खरीदने का मन करता बच्चा लोग को, तो इन लोग का बेचने का ट्रिक काफी अलग है यार। ये देखो यहाँ से नीचे तो सही। चलो भाई अभी तो जाहिर है लाइक कितना टाइम लगता है ये तो बात की बात है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट जो भी टाइम लगेगा अच्छा रहेगा। सो क्या ही बोल सकते भाई, सिनाग हिलते हुए प्लस कृष्ण जी घूमते हुए चारों तरफ, बारिश भी आ गई भाई, बारिश भी आ गई, अभी और भी आगे चलना है ना, तो चलो आगे सारा कुछ दिखाते हुए आपको चलते हैं, क्योंकि अगर रुकेंगे ना तो बारिश। जय श्री राम गंज, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा लाइक 7 बजने को है, और अभी आप लोग निकल रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ, क्योंकि इसी टाइम ज़्यादा भीड़ होगी, प्लस इस टाइम खुल चुकी होगी, क्योंकि 4 या 5 बजे खुल जाती है ना प्रेम मंदिर, 12 बजे बंद होती है मे बी, उतना कन्फर्म टाइमिंग मेरे को कन्फर्म नहीं पता है, बट हाँ अगर आपको पता होगा तो कमेंट में कमेंट करके बता देना गाइस। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे प्रेम मंदिर की तरफ, फिर वहाँ से अगर टाइम बचा, अगर जाने का परमिशन दिया तो अपन लोग आगे जाएंगे, लाइक समझ सकते हो कहाँ जाएंगे, वो तो आगे जाने के बाद प्रेम मंदिर जाने के बाद ही बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल अपन लोग रिजॉर्ट से निकले हैं, लाइक देख सकते हो अपना ड्रेसिंग कुछ ऐसा है, ये देखो भाई चप्पल पहन के जा रहे हैं, तो चलो कोई ना दर्शन, तो चप्पल भाई कपड़ा वपड़ा नहीं देखता, कोई जूता चप्पल ये सब, और फिर इधर का लोकेशन कुछ ऐसा है। सो फाइनली गाइस देख सकते हो अभी अपन लोग 4-व्हीलर के पास आ चुके हैं, और अभी मस्त वाला यहाँ से निकलते हैं, पहले अंदर की तरफ जाते हैं, और कुछ अंदर का ऐसा सीन है लाइक अभी चाबी डालने के बाद टाइम दिखाते हैं आपको कितना टाइम हो रहा है। सो गाइस ये देख सकते हो टाइम 6:55 हुआ है। सो अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, रिवर्स गियर में डाले, और ये अपना गाड़ी रिवर्स में गया, कैमरा की तरफ शो कर रहा है, और अपने को रिवर्स में करके मुड़नी है, पीछे की साइड देख रहे हो एक आदमी है, तो अभी ना अपने को इस तरफ पहले थोड़ा सा काटनी है, उसके बाद निकलेगी, तो उसके लिए गियर शिफ्ट करो आगे वाले में, और स्टेयरिंग पूरा घुमा दो एक हाथ से भाई, मतलब ऐसा होता है ना, प्लस देखो सामने का भाई मतलब मुड़ जाएगा ना, चलो ये देखो मुड़ गया, ये भाई साहब पूरा मोड़ दिए रे भाई ऐसा, और अभी देखना कुछ इस प्रकार ऐसे कट दिए, फिर से गियर को बैक के साइड शिफ्ट करो, ये शिफ्ट हो गया, देखो कैमरा यहाँ पे शो कर दिया, मतलब शिफ्ट हो गया गियर, शिफ्ट होने के बाद अब लोग फिर से ये सीधा कर दिया, और ये देखो रिसेप्शन है यहाँ पे, देख रहे हो ऊपर रिसेप्शन है, दो हाथी वृंदा आनंदम रिजॉर्ट का रिसेप्शन है, प्लस यार मतलब देख सकते हो प्लस जो वीडियो आई थी ना स्विमिंग पूल वाली, वो वाली इधर ही स्विमिंग पूल है, आप लोगों ने देखा ही होगा, इधर से अपन लोग एंट्री लिए थे, अभी तो बंद हो चुका, इस टाइम बंद हो जाता लेकिन 7 बजे बंद होता, अभी 6:57 हुआ है, तो सही है अच्छा है, और इधर इधर के साइड देख सकते हो कुछ ऐसा सीन है, और सौम्या को देखो यार, वो भाई साहब गॉगल्स लगा के रखी है यार, क्या बात है, अरे पैसा दे रही हो क्या, ये चाबी है अपना रूम का, चाबी है ना, हाँ। दिखाना कार्ड, ये कुछ ऐसा है देख रहा हूँ, नंबर दिखाना, ये देखो B139 है अपना सीट, अपना रूम नंबर है, प्लस आगे की साइड देखो, ये भाई मतलब ये माफिया लुक है भाई, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, तो जो भी हो अपना इंडियन ब्रांड काफी मस्त मस्त कार है यार, जो भी मतलब बोल सकते हो। सो गाइज अगर कार लेने की बारी आएगी ना तो अपन लोग का डिसाइड रहेगा इंडियन कंपनी वाला ही, लाइक महिंद्रा हो गया, रेंज रोवर हो गया, टाटा हो गया, बस यही सब कार लेंगे अपन लोग, ऑडी मर्सिडीज बुगाटी ये सब अपना सपना नहीं है, अपना सपना है बस इंडियन कंपनी कार, बाइक तो मेरे को उतना कुछ पता है नहीं, तो इसी कारण से बाइक का समझ ही सकते हो, तो बाइक के बारे में भी गाइज मैं बाइक के बारे में बोल रहा हूँ, तो एक बिग अपडेट आने वाली बहुत जल्द, अपन लोग चूज करेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ से अपन लोग निकल रहे हैं, लाइक गेट क्रॉस करनी, ये देखो फोर्ड का इको स्पोर्ट,
और इधर के साइड ना जा रहा, देखो यार मंदिर राधा श्याम जय राधे श्याम। और इधर के साइड देखो ये सारा स्विमिंग पूल वाला, इधर के साइड है ये वाली जो सीन दिख रही है ना, ये सारा स्विमिंग पूल वाली है। उधर स्विमिंग पूल है प्लस वहां पे मेन गेट है, वहां से एग्जिट अपना होगा। देख रहा हो ये देखो, यहाँ से अपना एग्जिट होगा। अभी तो मस्त वाला जा ही रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रखा है, लाइक आगे की साइड रथ जा रहा है, देख रहे हो। और जाम स्टार्ट भाई, जैसे तैसे लोग गाड़ियां घुसा देते ना, उसी कारण से जाम लग जाती है। प्लस जय श्री राधे, रथ जा रही है यार। भाई देख रहे हो सजावट, देख रहे हो कैसे सजा हुआ है यार। देखो भाई यहाँ पे खड़ा हो गई रथ, अब जाम लगने को आशंका हो चुकी है। हाँ रात में शायद निकलेगा ये रथ। अरे भाई आगे कर ले भाई। अबे यार क्या सीन है, नहीं बजेगा, नहीं ऐसा नहीं है, उधर के साइड नहीं बजेगा, इधर के साइड भी नहीं बजेगा। तो ये देखो भाई रथ का हिस्सा, मतलब दो दो घोड़ा। काफी टाइम बाद अपने को रथ मिला है, झांकी। अच्छा झांकी वाला, आगे वोल्सवैगन वाली कार। और ये अपन लोग मस्त वाला चलते हुए बस पहुंच ही गए गाइस प्रेम मंदिर। यहाँ से मैक्सिमम 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर होगा मे बी, वही होगा ना। फाइनली गाइस पार्किंग में अपन लोग लगा चुके हैं, इससे आगे 100-200 मीटर होगा प्रेम मंदिर है। लाइक प्रेम मंदिर का उधर भी पार्किंग था, लेकिन अपन लोग उधर ना पार्किंग करके इसमें पार्किंग लगाए। तो देख सकते हो इधर भी बहुत सारा कार पार्किंग में लगा हुआ है। और ये सौम्य यार बहुत लेट करती है निकलने में। सो अभी यहाँ से अपन लोग पैदल जाएंगे, लाइक 200 मीटर मान लो पैदल होगा। फिर वहां से अगर टाइम मिला, ऐसा लगा कि भीड़ नहीं है ज्यादा, तो बांके बिहारी मंदिर जाएंगे टोटो करके, क्योंकि अपना 4-व्हीलर जाने का परमिशन नहीं दे रहा, तो टोटो से ही जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कार हो गया लॉक, तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपन लोग, बस पैदल ही चलते हैं। और ये देखो सौम्या आ रही है, कैसा लग रहा है गॉगल्स पहन के भाई? मतलब इतना ज्यादा स्विमिंग की है ना कि पाँव एकदम, टाइम भी नहीं है यार, बंद हो जाएगा फिर, लेट हो जाएगी। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं अपन लोग। अब यहाँ से अपन लोग टोटो से भी जा सकते हैं, लेकिन भाई 150 मीटर ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, इसी कारण से पैदल ही जाएंगे। इतने का स्टाइल देखना, देखो पहले ऊपर फेंका वो वाली, देखो लाइट जल के ऊपर से नीचे आ रही है ये वाली ना। बच्चा लोग देखती है ना तो खरीदने का मन करता है बच्चा लोग को, तो इन लोग का बेचने का ट्रिक काफी अलग है यार। ये देखो यहाँ से नीचे, तो सही है यार, ये लोग मेहनत से ही बेचते हैं। प्लस इधर भी एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है कोई बात नहीं, बट राधे राधे जय श्री राम भाई, जय श्री श्याम। तो चलो कोई ना यार, भगवान तो एक ही है ना, राम जी कृष्ण जी का अवतार तो एक ही है। तो चलो अभी यहाँ से सदगुरु कृपाल धाम, ये धाम है यार, आगे बोर्ड वाली दिख रही है ना, बोर्ड के पास से यहाँ एंट्री है। इधर से भाई मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि साल भर हो गया ना मेरे को आए हुए, तो शायद कंफ्यूजन होगी अपने, बट सही है फिर भी अच्छा लग रहा है यार, बहुत दिन के बाद जा रहे हैं ना। साल तो हो गया आराम से, साल 1.5 साल हो गया भाई, साल तो कम ही बोल रहे हैं, 1.5 साल अपने को हो गया इधर आए हुए। तो चलो भाई अभी तो जा ही रहे हैं, लाइक कितना टाइम लगता है ये तो बात की बात है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट जो भी टाइम लगेगा अच्छा रहेगा। सो क्या ही बोल सकते भाई, बस चलते हैं जल्दी से दर्शन करते हैं राधे श्याम का उसका। भाई देख रहे हो भीड़, ये देखो बहुत ही भीड़ है, लाइक ये तो उतना नहीं है, बस पिछला बार आए थे ना चक्का जाम था भाई, इतना ज्यादा भीड़ था इधर, बट आज तो उतना भीड़ नहीं है। सारा रोड पे ना इतना ज्यादा भीड़ था ना कि 2-व्हीलर पैदल चलने वालों को ना यहाँ से वो बोर्ड तक जाने में ना 5-10 मिनट लगता था, ऐसा मतलब जाम यहाँ पे रहता था, बट अभी तो उतना भीड़ नहीं है। अब चेक करो भाई कितना भीड़ है भाई, चक्का जाम बोल रहे थे ना, ये देखो यहाँ पे चक्का जाम है ना, ये देखो देख रहे हो चक्का जाम हो गया ना भाई इधर से, देखो कोई पार और ये क्या ज्यादातर व्हीकल्स कोई भी नहीं। प्लस इधर रूम ये सब सारा कुछ प्रचार करते भाई, जो भी रूम लेना। प्लस प्रेम मंदिर सामने के साइड देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना प्रेम मंदिर, तो यही प्रेम मंदिर है भाई। मतलब भीड़ भी काफी ज्यादा है, अब लोग चले भी जा रहे हैं मस्त वाला।
तो बस चले ही जा रहे हैं भाई, देखते हैं टाइम कितना लगता है अंदर। भाई भीड़ तो काफी भयानक वाला, नंबर लगना पड़ेगा अभी अपने को, उसके बाद एंट्री देखो लाइन कितना लंबा दिखाते। सो ये देख सकते हो भाई कितना लंबा लाइन है भाई, मतलब अंदर जाने के लिए ना ऐसा लाइन में लगना पड़ता है। सोच लो मंदिर का इतना अच्छा नजारा है, मतलब सामने की साइड देखो प्रेम मंदिर दिख रहा है, क्या ही मस्त लग रहा है ना भाई प्रेम मंदिर। यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ ऊपर प्रेम मंदिर, बहुत ही अच्छा। प्लस यहाँ से एंट्री है, बैग कैमरा बीड़ी सिगरेट गुटखा से। तो गाइस ये देखो यार, मतलब चेक करो भाई कितना भयानक भीड़ है। सामने की साइड देख रहे हो प्रेम मंदिर, और इधर से देखो सारा जो उनका है ना हर कुछ शेषनाग, प्लस यहाँ पे फवारा है सब भाई, मतलब बहुत ही भयानक भीड़ है यार। प्लस ये तो प्रेम मंदिर का एंट्री वाला गेट, वो तो बाहर से दिखाई दिए थे, बट यहाँ से मैं आपको भी सारा कुछ दिखाता हूँ। ये देखो श्री कृष्ण जी नाग पे, शेष नाग पे, हाँ ये देख लो कितना मस्त लग रहा है कृष्ण जी भाई। ये देख रहे हो शेष नाग पे चारों तरफ घूम रहे है भाई। भाई मतलब यहाँ का ना सीन काफी अलग लग रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। प्लस मजा तो भाई कुछ बोलो ही मत, पूछो ही मत भाई, इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो देख रहे हो भाई, चेक करो भाई कितना भीड़ है यार। सो अभी कलर चेंज होगा देखना, मतलब मिनट मिनट पे शायद कलर चेंज होती है। ऊपर की साइड कलर देख रहे हो चेंज हुआ ना, वो वाली देखो कलर कैसा कैसा चेंज होगा। अभी सारे लोग उसी का इंतजार में लगे रहते हैं भाई, कलर चेंज होती है ना उसका इंतजार में लोग रहते हैं भाई। ये ब्लू हो गया ना, अभी देखो अभी कौन सा और कलर होगा ना, ये देखो अभी ब्लू हुआ, अब देखना कौन सा कलर आएगा। ये देखो बैगनी हो गया भाई, और वो रेड से देख रहे हो येल्लो टाइप का हो गया ना वो कलर, सारा कलर चेंज होते है भाई। मतलब प्रेम मंदिर का वो भी कलर देखो, अभी देखो रेड टाइप का हो गया, प्लस ये वाला येल्लो से कुछ और होगा, प्लस वो ग्रीन हो गया, ऐसे ही कलर चेंज होते हैं। प्लस भाई भीड़ देख रहे हो, उधर अभी गोवर्धन पर्वत तो दिखाना भी बाकी है भाई, तो अभी इधर से ना घूम के चलते हैं आपको गोवर्धन पर्वत की तरफ लेके। तो गाइस कलर देख रहे हो इस बार कलर कैसा चेंज हुआ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Guys, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ गई है। Like देख सकते हो बारिश कैसा आ गया, तेज़ ऊपर के साइड देखो कैसा बारिश आ रही है। अभी यहाँ से ना अपने को जल्दी से कहीं पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है बारिश। भाई भीग जाएंगे, प्लस फोन का कोई कवर भी ना है, वाटर प्रूफ भी ना है फोन अपना। बारिश थोड़ा सा स्लो हो गई है, बट ये देखो पीछे की साइड से दूसरे साइड से अपन लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर का। इधर और भी कुछ है ना कृष्ण जी का कुछ लीला वाला इधर भी है, तो वो भी दिखाना है। प्लस राधे राधे इधर मंदिर है, राधा जी का शायद होगा मंदिर, गए नहीं है अपन लोग उस साइड। ये देखो भाई पीछे की साइड से सारे लोग वीडियो बनाते ऊपर जाके स्लीपर सब चप्पल सब खोल के। प्लस उधर देखो फव्वारा का शो स्टार्ट हो चुका है इस टाइम ना, सो प्लस अभी कंस का ना दिखाना बाकी है, जो कृष्ण भगवान बैठते हैं ना उधर वाला शो भी बाकी है। ये देखो कृष्ण जी का फुब्बारा वाला शो। सो अभी तो भाई चले जा रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा भीड़ है यार, कैसे चले ना पता ही नहीं चल रहा है। बारिश में स्टार्ट हो गई है, थोड़ा थोड़ा देख रहे हो कैब पूरा भीग चुका है, लाइक अभी थोड़ा स्लो हुआ है, स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था यार, बट लिटिल बिट स्लो है थोड़ा बहुत, तो इतना तो काम चल जाएगा, वीडियो बन जाएगी आराम से इतना में। ये देख रहे हो आगे की साइड भाई कितना ही भीड़ हो जाता है यार इधर। अब सो रहे भाई, अभी मैं ना गिरने से बच गया बिल्कुल भाई। भाई फवारा वाला शो कैसे दिखाया बताओ यार, ये देखो ये भाई मतलब क्या ही भयानक लग रहा है ना उधर फवारा वाला शो, देख रहे हो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, इसी कारण से नहीं जा पा रहा। देख रहे हो कितना ज्यादा भीड़ है यार उधर। प्लस ये कृष्ण जी का देखो सारा, मतलब गौ है ना सारी गाय चराते हुए कृष्ण जी और बलराम जी। ये देखो कृष्ण जी और बलराम जी हैं, सारा गौ माता। भाई अच्छा लगता है ये सब देखने में ना, काफी अच्छा लगता है। जय श्री कृष्णा। प्लस ये प्रेम मंदिर का पीछे साइड से प्रेम मंदिर है। ये देखो गाइस यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर है ना, तो यहाँ से अब थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मेरे को पता है दिख नहीं पाएंगे, बट फिर भी कोशिश अपना ये है कि दिख जाएगा।
एक फुब्बारा वाला सिर्फ शो है, वहां पे कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ फुब्बारा वाला म्यूजिक बज रहा है, प्लस सिर्फ फुब्बारा का शो है। तो यही कुछ है, प्लस और भी आगे बहुत कुछ है। वो देख रहे हो कृष्ण जी का रथ, महाभारत का सीन वाला है भाई, कृष्ण जी और फिर पीछे अर्जुन थे बैठे हुए, और ऊपर बजरंगबली का ध्वजा है। देख रहे हो महाभारत का सीन वाला यहाँ पे लगाया गया, जो कि रथ चला रहे थे कृष्ण भगवान, अर्जुन लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, बजरंगबली ऊपर ध्वजा के रूप में बैठे हुए थे। भाई बारिश बहुत तेज की आ गई फिर से, चलिए भीग जाएगा यार फोन नहीं तो, बहुत तेज वाली बारिश आ जा रही है भाई। तो मैं ना अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाके गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण जी जब उठाए थे ना एक उंगली से, वो वाली दिखाते हैं अभी हम आपको। सो गाइस ये देखो कृष्णा जी का सारा जो भी है ना रसलीला किए थे ना उन्हीं का सारा यहाँ पे। ये देखो गोपियों के साथ कृष्ण जी का ये सारा देख रहे हो, प्लस वो ध्वजा वाला देख रहे हो आगे साइड, महाभारत वाला सीन वाला। प्लस इसके आगे अपन लोग जाएंगे ना तो ये देखो इधर और भी बहुत सारे जानवर हिरन ये सब है प्लस। तो ये देखो भाई फाइनली आ गए, प्लस ये देखो शंकर जी का सबसे बड़ा वाला शिवलिंग यहाँ पे प्रेम मंदिर में। और ये देखो भाई यही तो मेन सीन था ना जो गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी उठाए थे एक उंगली से। भाई देखो भाई कितने लोगों को बचाए थे वो इस पर्वत से। ये देखो कृष्ण जी कैसे उठा के रखे हैं, प्लस सारे लोग जो भी है ना गांव के वो भी सहायता कर रहे हैं अपने डंडे से लाठी से, बट सारा भार तो भाई कृष्ण जी का उंगली पे ही था, समझ रहे हो ना। तो ऐसा ही कुछ सीन है, प्लस आगे की साइड जाओगे ना तो वहां पे एक और जहाँ पे कृष्ण जी का एक और सीन है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं टाइम मिला तो, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो जा रही है ना उसके कारण टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस। तो ये देखो कान्हा जी को, प्लस ये किस चीज का है ये तो मेरे को नहीं पता, बिना जाने हुए अपन लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान है यार, इनके बारे में कुछ बिना जाने हुए बोलना गलत होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना किस चीज का सीन था। प्लस ये देखो यहाँ पे शायद जो नुकचोरिया खेलते हैं ना अपन लोग हाइड एंड सीक, वही खेल रहे होंगे कृष्ण जी। सो फाइनली गाइस बारिश आ चुकी है, भीग चुके अपन लोग देख सकते हो, तो अभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं छूट रही, थोड़ा बहुत रुक रही है, फिर तेज वाली आ जा रही है, तो भीग सकते हैं, प्लस फोन भी अपना खराब हो सकता है, तो अगर फोन सही रहेगा ही नहीं तो वीडियो कैसे आप लोग देखोगे गाइस। तो इसी कारण से सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए गाइस। सो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा मौका मिले तो फिर से आएंगे और आपको दिखाएंगे और भी अच्छे तरीके से, अभी तो फिलहाल बारिश ना थोड़ा सा किचकिच कर रखा है, तो चलो कोई ना ये सब तो होता रहता है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं गाइस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। We'll be right back.